पुनः निवेदन करे, जो निवेदन जनता स्वीकारे कि मत देना ना सिर्फ हर नागरिक का अधिकार है बल्कि लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी भी। विशेष रूप से गुजरात की जो महिलाएं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी वो भाजपा के संकल्प को भलीभांति जानती हैं कि पुनः सरकार बनाने के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार गुजरात की बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने वाली है। साथ ही गुजरात की महिलाएं ये जानती हैं कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक बेटियों को पुनः सरकार बनाने के बाद मुफ्त की साइकिल भी प्राप्त होने वाली है। ये भी अभिनंदनीय है कि गुजरात की महिला इस बात का समर्थन करती है कि जो EWS श्रेणी की हमारी बेटियां हैं उनका मेरिट लिस्ट में आने के बाद ये अधिकार बनेगा कि वो मुफ्त की इलेक्ट्रिक स्कूटी भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में प्राप्त करें। विशेषतः जो हमारी सीनियर सिटीजन बहनें हैं उनको यातायात की दृष्टि से पूरे प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यातायात की बस में मुफ्त सुविधा भाजपा की सरकार दिलवाएगी, ये जानकर ऐसी बहनें आनंदित हैं। और विशेषतः पारिवारिक दृष्टि से जनता के मध्य में जब हम जा रहे हैं तो जनता जनार्दन भाजपा के संकल्प की भी सराहना कर रही है कि आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत एक तरफ भारत सरकार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का संरक्षण दे रही है, दूसरी ओर पुनः भाजपा की प्रदेश में सरकार बनाने के बाद ये राशि 5 लाख से बढ़कर भाजपा की प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए कर देगी। इन सभी संकल्पों के चलते सरकार के प्रगतिशील और विकास के पथ पर सुदृढ़ भूमिका के चलते मैं गुजरात में ऐतिहासिक जीत हो ये संकल्प पूर्ण करने के लिए जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करती हूँ। आजे हूँ आप सौनी बच्चे गुजरात की प्रजा ने भाजपनी कार्यकर्ता बनी आभार अने अभिनंदन व्यक्त करवा इच्छू छू। भाजपना कार्यकर्ताओं वारंवार कहता कि फरी एक बार अमे गुजरात में सरकार बनावीशू अने काले जारे प्रथम चरण नी वोटिंग थई त्यारे आप सौ साक्षी छो के ई रीते गुजरात नी प्रजाए पोलिंग बूथ पर आवी मत आपी फरी एक बार विश्वास व्यक्त कर्यो छे कि गुजरात नी जनता इच्छे छे के भाजपनी सरकार बने। आवनारा 5 तारीखे बीजा राउंड थशे वोटिंग नी, एमां अमे भाजपना कार्यकर्ताओ निवेदन करीए छीए के वोटर्स पोतानुं मत आपी अधिकारनी साथे साथे जे अमारी लोकतंत्र प्रत्ये जवाबदारी छे एने पण अमे लोका पूर्ण करीए। गुजरातनी बहेनोए विशेष भाजपना संकल्प पत्रमां केजी थी लई पीजी सुधी दीकरीओने मुफ्त शिक्षण आपनारी अमारा संकल्पने बहुत समर्थन आप्यो छे।
विशेष धोरण 9 थी मांडीने 12 धोरण सुधी अमारी दीकरीओ ने मुफत नी साइकल मळशे। आ संकल्प सांभळीने पण गुजरात नी बहनोए खूब ज आशीर्वाद नरेंद्र भाई ने अने भारतीय जनता पार्टी ने आप्युं छे। साथे साथ EWS कैटेगरी में जे दीकरी मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ावशे एने मुफतनी स्कूटी मळशे। आ सांभळीने पण घणी बधी आपणी दीकरीओ आनंदित थई छे। भारतीय जनता पार्टी नी सरकार फरी एक वार गुजरात में बनाया पछी अमारी वडील बहनों ने गुजरात ना बसेज में मुफत यातायात करवा मळशे। आपन वडील बहनों माटे आनंद ने सुखनी बात छे। पारिवारिक दृष्टि थी गुजरातीओए भाजपने अने भाजपना नेतृत्व ने अभिनंदन आप्युं छे के मुख्यमंत्री श्री ना नेतृत्व में जे वडाप्रधान श्रीनी आयुष्मान भारत योजना में हमणा 5 लाख रुपया अपाई रह्या छे ए गुजरात प्रदेश में भाजपनी सरकार बनाया पछी आ राशि 10 लाख सुधी थई जशे। भाजपना आ संकल्पो अने विकास हेतु भाजपना कार्यों ने जोई गुजरातनी प्रजा जे मान सम्मान अने प्रेम नरेंद्र भाई ने आपे छे भाजपने आपे छे आ बदल अमे बद्दा कार्यकर्ताओ गुजरातनी प्रजाना आभारी छीए। फरी एक वार गुजरात में भाजप सरकार हवे मात्र भाजपना कार्यकर्ताओनो संकल्प नथी आखा गुजरातनो संकल्प बनी गयो छे। अब मीडिया के जो भी मित्र प्रश्न पूछना चाहें द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रश्न पूछने से पहले अगर आप अपने आप को और अपने प्रकाशन अथवा अपने चैनल को आइडेंटिफाई करें तो मेरे लिए सहूलियत होगी। एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी जो भारत के वैभव को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने का हर हिंदुस्तानी को मौका देता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संकल्प जो भारत के सांस्कृतिक वैभव और वसुधैव कुटुंबकम के चिंतन को प्रदर्शित करता है। अगर भारत का ये संस्कार, अगर भारत की ये रुचि, अगर भारत का ये संकल्प कांग्रेस पार्टी को नहीं भाता तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यही कांग्रेस पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधान सेवक को भी हटाने के लिए अपील जाकर पाकिस्तान में करती है। मैं अखिलेश यादव ने रामपुर में आजम खान के मुकदमे दर्ज कर उसको लेकर योगी आदित्यनाथ का निशाना साधा। मेरा आग्रह है कि पहले अगर गुजराती मीडिया कोई पूछना चाहे वो पूछे। हमारा घर ना एक सेकेंड प्रदीप भाई बोलिए ना, उसके बाद अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर आप पूछना चाहें तो उचित होगा। विकास जी गुजरात से संबंधित है। अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस एक मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम अलग अलग बिरादरी के कास्ते बनाएगी। जिनसे पायलट साहब संभाले नहीं जाते वो गुजरात की चिंता छोड़ दें तो बेहतर है। हाँ प्रीति जी, कल जो मतदान हुआ उसके तुम गुजराती में बोली सको जो विकास ने नहीं आवड़ती तुम ने तो आगे जा बोलो। ओके थैंक यू। गई काले जी मतदान थयो ने एना जे कई आंकड़ा छे અને શરૂઆતથી જે મતદાનનો 15% સુધીનો હતો પછી એકદમ જોક થયો
અને 5 વાગ્યા સુધી 50 ની આજુબાજુ 63% આમ કહેવામાં આવે 63.4% તો આ ઓછું મતદાન કહેવાય કે નહીં જે રીતે આપણો જનજાગૃતિ પ્રચાર મને એવું લાગે છે કે આજે અમે જ્યારે મતદાતાઓને અપીલ કરીએ છીએ આ અપીલ આ જાણી જોઈને કરીએ છીએ કે અમને ખબર છે કે ભાજપની સરકાર આવવાની છે તેમ છતાંય અમારી અપીલ છે કે મત આપવું માત્ર અધિકાર નથી અમારી જવાબદારી પણ છે તો જેને જેને કાલે આપણી જવાબદારી ભજવી છે એમના માટે વિશેષ અભિનંદન અને આવનારી સેકન્ડ રાઉન્ડમાં મારી ફરી એક હું નિવેદન બધાને કરું છું કે આપ સૌ મળીને એક એક મત લોકતંત્રને સશક્ત કરે છે એટલે જ આપને કહેવા આજે આવી છું કે આપ પ્લીઝ મત કરો કારણ કે આ એક લોકતાંત્રિક સંસ્કાર છે જે આવનારી પીઢી માટે પણ બહુ લાભદાયક થશે શક્યતા છે કે લોકોને ખબર છે કે ભાજપ આવવાની જ છે પણ મારે એમ લાગે છે કે આપણે ફરી એકવાર આપણી શું જવાબદારી છે કે અમે લોકોને કહીએ કે જો અમને એવું લાગે છે કે આપને વોટિંગ ડીપ થઈ છે તો પ્લીઝ સેકન્ડ રાઉન્ડ બાકી છે આપ સૌ આવીને વોટની અપીલ અમે કરીએ છીએ આ વડાપ્રધાનશ્રીની પણ અપીલ જુઓ તો એમને શું કહ્યું કે ભાઈ મત આપવું અધિકાર છે પણ જવાબદારી પણ અને જ્યારે આપ મુદ્દાઓની વાત કરો છો ચિંતનભાઈ સાચી વાત એવી છે કે મુદ્દાઓ ઠોસ તો અમે લઈને આવ્યા વિપક્ષે કયો ઠોસ મુદ્દો આપ્યો છે આપ કોંગ્રેસની વાત કરો છો તો કોંગ્રેસે તો નરેન્દ્રભાઈને ગાળો આપતા એ છોડી બીજા કયા ઠોસ મુદ્દા ઉપર આ લોકો લડ્યા છે અને જે કોંગ્રેસ પાર્ટીના ગાંધી ખાનદાને ગુજરાતના ચૂંટણીના બહિષ્કાર કર્યા કદાચ એમના સપોર્ટરના ઉતરાય વોટ કરવા માટે પહેલા અધિકાર યોગી આદિત્યનાથ કા નામ લીએ બિના અખિલેશ યાદવ ને જો આઝમ ખાન પર મુકદમે દર્જ ઉસકો લેકર કહા હૈ કે એક ફાઇલ મેરે પાસ ભી હૈ કી મૌજૂદા સીએમ કી લેકિન મેને ઉસકો લૌટા દિયા ઇસ બયાન કે માયને આપ કહે ક્યુંકી વો યે કહે રહે હૈ કે હમ રાજનીતિક નફરત નહીં કરતે નફરત કી રાજનીતિ નહીં કરતે દેખિયે રાજનીતિ ઓર રાષ્ટ્રનીતિ મે ઓર કાનૂન મે જિનકો અંતર નહીં પતા ઓર વિશેષતા જો अपनी राजनीतिक लोकप्रियता के लिए कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उनके संदर्भ में टिप्पणी करना भी व्यर्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वयं कितने निष्क्रिय एक राजनेता रहे और उनके चलते प्रदेश को कितनी हानि हुई ये प्रदेश की जनता ने जानते हुए समझते हुए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो जो साफ हो चुके हैं प्रदेश से और उसकी राजनीति से उनके ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की आप मुझसे अपेक्षा ना करें। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को वो ऑफर भी दिए, कह रहे कि सौख्य विधायक आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या लाचारी है कि खुद जीतने का दम नहीं रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके समक्ष इस प्रकार की उचित टिप्पणी करना उनके संस्कार जताता है।
ऐसा लगेगा कि आप ही के चैनल का इंटरव्यू कर रहे हो। हाँ जी, अर्जुन खजूरिया कह रहे हैं पहले चरण में 2017 की तुलना में कम मतदान हुआ है। उसका मैं चिंतन भाई को गुजराती में दे चुकी हूँ जवाब, अब हिंदी में बोल देती हूँ कि इस पूरे चुनाव में गांधी खानदान ने गुजरात के चुनाव का बहिष्कार किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके वोटर्स ने कांग्रेस का बहिष्कार किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम बार बार कह रहे हैं कि आप मत को, वोट को मात्र अधिकार की दृष्टि से ना देखें, जिम्मेदारी की दृष्टि से देखें। लेकिन जो 63% वोट करने आए वो विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं पुनः कहती हूँ, आप सभी मीडिया के मित्रों ने कल कई पोलिंग बूथ पर जनता जनार्दन के इंटरव्यूज भी किए हैं। ओवरवेलमिंगली जनता ने आपको कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है कि जितने भी ओवरवेलमिंगली वोट्स पड़े वो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है उसी को प्रदर्शित करते हैं। चुनाव न सिर्फ भाजपा लड़ रही है बल्कि गुजरात की जनता भी मोदी के समर्थन में इस चुनाव में उतरी है। धन्यवाद जी, खूब खूब आभार। अजमल ने असम के सीएम को सलाह दी दस जगह और धमकी भी दे रहे हैं कि आप अपने घर में 4-5 लड़कियां मुस्लिम ले जाओ और पूरी ताकत आजमा लो, हम देख लेंगे। ऐसा है, देखिए लड़की किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार से मुझे ये टिप्पणी अजमल साहब की उचित नहीं लगती। अगर वो अपने धर्म में किसी बेटी का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं तो जनता के लिए सोचने का विषय है। इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह है, लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार के प्रश्न ना करें तो बेहतर है।